हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीडीपी टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, बड़ी ही अच्छी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि अब मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0 का स्टेबल वर्जन मिलना स्टार्ट हो गया है। अभी तो मैं कह नहीं सकता कब तक सब लोगों को मिल पाएगा, लेकिन अब हमारे पास ये स्टेबल वर्जन आ चुका है और आशा करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर सभी लोगों को इसका जो वर्जन है यानी स्टेबल वर्जन है आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपडेट आया है वो है 4.0.0 जनरेशन 1 D1518P, जिसका जो साइज है वो है 1.17 GB। दोस्तों एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जनरेशन 1 आया है, इसका मतलब ये मेरी ओला S1 Pro जनरेशन 1 के लिए है। अगर आपके पास जनरेशन 2 है तो उसका भी आपको अपडेट मिलेगा, स्टेबल अपडेट, वहां पर जनरेशन 2 लिखा हुआ आएगा। अब इंतजार ना करते हुए हम इसको अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूं। और जैसा हमेशा से मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा इंस्टॉलेशन है। तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी मैंने इंस्टॉल करे हैं सॉफ्टवेयर, वो अप्रॉक्सीमेट 20 से 30 मिनट का टाइम लेते हैं अपडेट होने में। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी इसकी इंस्टॉलेशन होगी और मैं देखूंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे इस स्टेबल वर्जन में। यहाँ पर जो ओला का इंस्टॉलेशन पैकेज है वो वेरीफाई हो रहा है। पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद हम देख पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या परफॉर्मेंस अच्छी आती है या नहीं आती है। इस वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ओला बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ब्रांड है। मैं पिछले 2 साल से ओला S1 Pro यूज कर रहा हूं और अप्रोक्सीमेट 13,000 किलोमीटर के करीब मेरी ओला चल चुकी है। और जैसा मैं हमेशा वीडियो के अंदर बताता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। माइनर प्रॉब्लम्स थी जो विद इन वन डे शॉर्ट आउट हो गई थी, यानी प्रॉपर तरीके से ओला वालों ने मेरी प्रॉब्लम को रिजोल्व करवा दिया था। और प्रॉब्लम भी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत छोटी मोटी थी, जैसे कि मेरा जो डिस्क ब्रेक है वो खराब हो गया था तो उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी और केयर प्लान था, केयर प्लस प्लान, तो उन्होंने बिना किसी चार्जेस के वो डिस्क पैड चेंज कर दिए थे। दूसरी प्रॉब्लम आई थी जीपीएस केबल की, वो भी एक दिन के अंदर जीपीएस केबल को चेंज कर दिया गया था। तीसरी प्रॉब्लम आई थी इसके पैनल हिलने की, वो भी बहुत ही माइनर प्रॉब्लम थी, हार्डली वन डे के अंदर उस पैनल को उन्होंने रिप्लेस करके नया पैनल लगा दिया था। ये वाला पैनल था, आए तो प्रॉब्लम नीचे की साइड था, लेकिन उन्होंने ये पूरा जो पैनल है उसे चेंज करा था, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। मेरी तो ये फेवरेट है ओला S1 Pro। आपका पता नहीं कि आपको फेवरेट लगती है या नहीं लगती है, अगर लगती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझको बताएं। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसकी चिंता ना करिएगा, क्योंकि इस टाइम मैं बाहर हूँ और ये जो अपना अपडेट है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। दोस्तों आपको ओला की परफॉर्मेंस कैसी लगती है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, उन कमेंट का रिप्लाई देने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर आपको ओला के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं उसका कोई सॉल्यूशन मिले, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी उसके सॉल्यूशन को आप लोगों के साथ शेयर करने में। दोस्तों मैं निरंतर अपने सब्सक्राइबर की जो भी नीड होती है, जो भी क्वेरी होती है, कोशिश करता हूं कि मैं उसको रिजोल्व करा सकूं और उसका जवाब दे सकूं। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रीवियस सेक्शन में जाके मेरी बहुत सारी ओला से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, ओला से रिलेटेड एसेसरीज की वीडियो देख सकते हैं जो थर्ड पार्टी की है, और मैंने एक ओरिजिनल एसेसरीज की भी वीडियो डाली थी जो थी ओला सेंटर स्टैंड। तो दोस्तों इन सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी तो मैं यहाँ पर ओला का स्टेबल वर्जन अपडेट कर रहा हूँ, मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0.0 यहाँ पर है स्टेबल वर्जन जनरेशन 1 के लिए। जैसा मैंने बताया था ओला S1 Pro है, अगर आपके पास ओला S1 Pro जनरेशन 2 है तो आपके लिए दूसरा अपडेट आएगा जिसमें जेन 2 लिखा रहेगा। अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने में। यहाँ पर देखिएगा इंस्टॉलेशन जो होना स्टार्ट हो चुका है, पहले वेरीफाइंग हो रहा था और अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रही है अपडेट्स। और जैसे मैंने बताया था ये जो अपडेट है वो है 1.17 GB का। दोस्तों इस ओला के सामने सारी गाड़ियां बेकार है, मैं आपको दिखा दूं, वो है मेरी KTM Duke 390 जिसपे इतनी सारी धूल जमी हुई है, और यहाँ देखिएगा यहाँ है V15 जिसपे बहुत सारी धूल जमा हुआ है। तो दोस्तों ये बस ओला S1 Pro है जो हमारी बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ओला S1 Pro ही यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों गजब का इसका परफॉर्मेंस है, जैसे बताया था इसकी जो टॉप स्पीड है वो 116 किलोमीटर है, 120 तक भी मैं इसे पहुंचा चुका हूँ। दूसरी सबसे अच्छी इसकी परफॉर्मेंस आती है रेंज की। रेंज के बारे में बात करें तो लोकल के अंदर मुझे पिलियन राइडर के साथ 80-90 की रेंज मिल रही है। अगर मैं सिंगल राइडिंग करता हूं या मिक्स राइडिंग करता हूं तो लोकल में हैवी ट्रैफिक में 100 का रेंज कहीं नहीं गया।
अगर मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ हाईवे पर, तो अप्रोक्सीमेट जो मुझको रेंज मिलती है वो 120 से लेकर 140 के बीच में मिलती है, लेकिन वो सिंगल राइडर की मैंने आपको बात बताई है। क्वेश्चन ये था कि भाई आपको रेंज इतनी अच्छी क्यों मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं ये सब जो है ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या है। जो मेरी ड्राइविंग स्टाइल है मैं नॉर्मल में यूज करता हूं, और नॉर्मल में मैं स्पीड जो रखता हूं वो अप्रोक्सीमेट 50 से 55 के बीच में रखता हूं। एग्रेसिव थ्रोटल नहीं देता हूँ, सिंपल थ्रोटल से मैं इसे यूज करता हूँ। जहाँ भी मुझको लगता है ट्रैफिक है मैं थ्रोटल छोड़ देता हूँ, जिससे मुझको ज़्यादा रेंज मिलती है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा आप थ्रोटल देंगे, हाई स्पीड में रन करवाएंगे, बार बार ब्रेक का यूज करेंगे, उतनी ज़्यादा बैटरी का कंजप्शन होता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का कोई भी ज्यादा यूज नहीं लगा मुझे। सच बताऊं तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मेरी ऑफ ही रहती है, मैं किसी पे भी नहीं रखता, ना मीडियम ना लो ना हाई। रीजन यही है कि हैवी ट्रैफिक के अंदर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बिल्कुल यूजलेस है, वो बहुत ही कम असर देती है, अप्रोक्सीमेट 1% का असर आता है, 1% यानी 1 किलोमीटर, तो ज्यादातर मेरी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ ही रहती है। मैंने इसकी मेंटेनेंस के बारे में बताया कि आपको किस तरीके से इसको मेंटेन करना है, वो भी आप मेरी प्रीवियस सेक्शन में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। किस तरीके से आप इसकी वॉशिंग कर सकते हैं, क्या क्या एसेसरीज यूज कर सकते हैं, वो सब आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर, जहां मैंने फेवरेट ऑटो एसेसरीज यहां पर लगा रखी है, जिसमें मेरा यहां पर जो भी गार्ड्स हैं, फ्रंट और रियर गार्ड है, सीट कवर है या बैक रेस्ट है, उनकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्रीवियस सेक्शन में। यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन गार्ड लगा रखा है वो फेवरेट ऑटो एसेसरीज का है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो विंडशील्ड लगा रखी है वो सुजुकी एक्सेस 125 की है, जो हार्डली 700 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ एसेसरीज हैं जो आप बाय कर सकते हैं अमेजोन से, और अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी बाय लिंक दूंगा, जहां जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। फेवरेट ऑटो एसेसरीज की वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, जहां जाकर आप उनकी सारी एसेसरीज को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फेवरेट ऑटो एसेसरीज का सीट कवर है, इसको 2 साल हो चुका है और जरा सा भी खराब नहीं हुआ है। ये देखिएगा ये बैकरेस्ट है जो फेवरेट ऑटो एसेसरीज का है, बहुत ही बढ़िया बैकरेस्ट है, इसे भी अप्रोक्सीमेट 1.5 इयर्स हो चुका है। बाकी ये पीछे के गार्ड हैं, ये आपकी जो ओला है इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रखेंगे किसी भी कोलिजन से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 50% जो अपडेट है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर जो ओला है वो रिस्टार्ट हो चुकी है, बस हमको इंतजार है मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0 स्टेबल वर्जन का, कि स्टेबल वर्जन दिखने में कैसा है, क्या जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको रिमूव करा गया है या नहीं करा गया है। प्रॉब्लम्स का मतलब वो नहीं है, प्रॉब्लम्स का मतलब है बग्स, जो छोटे मोटी प्रॉब्लम्स थी यानी बग्स थे उसको रिमूव करा गया है या नहीं करा गया है इस स्टेबल वर्जन के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे। यहाँ पर ओला का एक और है वेरीफाइंग इंस्टॉलेशन, अगेन यहाँ पर वेरीफाइंग हो रहा है इंस्टॉलेशन, और लिखा रहा है इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स, लगता है कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे बताया था ओला से रिलेटेड एसेसरीज की वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है, और भी एसेसरीज की वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर ये ओला का हुक है। अभी तो ये नॉर्मल ओला का ओरिजिनल हुक है, अब मैं आपको एक ऐसा ओला का हुक दिखाऊंगा जो थर्ड पार्टी ने बनाया है, जहां पर आप अपने सामान को हैंग कर सकते हैं। यहां पर हमारी ओला दोबारा से रिस्टार्ट हो चुकी है, और मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो ओला ही खरीदें, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आप चाहते हैं। भाई ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जिसके अंदर टॉप मोस्ट रेंज आपको मिलती है, जिसके अंदर आपको ऐसा डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको जीपीएस मिलता है, नेविगेशन मिलता है, जिसके अंदर आपको अपने व्हीकल को सर्च करने की सुविधा मिलती है, अपने प्रोफाइल को शेयर करने की सुविधा मिलती है, म्यूजिक मिलता है, भाई सब कुछ मिलता है इसके अंदर, स्पीड मिलती है, प्रॉपर बैलेंसिंग है, अच्छा खासा डिजाइन है। तो सारी कुछ चीज हमको इस ओला S1 के अंदर या ओला S1 Pro या जो भी इसके मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। और यहां पर आ गया पासकोड, मैं पासकोड डालता हूं, अब देखिएगा पासकोड डालते ही वही हमारा आ गया मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4C Watts न्यू, अगर हम यहां पर देते हैं वही सारी चीज मिलेगी जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये देखिएगा टच तो बहुत बढ़िया है इसका, ऑल सेटिंग्स में आते हैं, ये डिस्प्ले आ गया, सारे फंक्शंस वही हैं, ब्लूटूथ, मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसको कम कर देता हूं, यहां पर रख देता हूं,
ब्लूटूथ ऑन है यहाँ पर, ये डिवाइसेस जो कनेक्ट है। इस टाइम मेरा रियलमी नार्जो 16 प्रो को सर्च कर रहा है, अभी मैंने यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रखा है। ये वाईफाई, साउंड्स, मीडिया वॉल्यूम, इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सिस्टम साउंड्स हैं, मूड साउंड्स हैं, हॉस्ट ए कंसर्ट, ज्वाइन ए कंसर्ट, सब कुछ मिलता है। लाइट है, सेफ्टी लाइट वाला फंक्शन, हेडलैम्प हो गया, हेलो लैम्प हो गया, इंडिकेटर लाइट्स हैं, ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर है, इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। राइडिंग जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऑफ है, लो, डिफॉल्ट, हाई, ये अपने हिसाब से आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। नेविगेशन इसके अंदर भी आपको मिलता है ओला मैप्स बीटा और मैप माई इंडिया। इससे पहले मैप माई इंडिया आया था ओला के अंदर, बाद में ओला मैप्स आ गया है, अभी ओला मैप्स बीटा के अंदर है। ये बैटरी वैकेशन मोड है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिसमें टेम्पर डिटेक्शन अभी बीटा है, फॉल डिटेक्शन बीटा है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब यहां पर देख सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल है जिसमें जियो फेंस है, टाइम फेंस, हाइपर मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये सब यहां पर चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा सिस्टम अपडेट, यहां पर सिस्टम अपडेट में वर्जन 4.0.0 है। अबाउट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं रेड ड्रैगन है मेरा। डिस्टेंस ट्रेवल मैंने जो अब तक कर लिया है वो है 12,162। परचेज ऑन 21 जनवरी 2022। यहाँ से मैं रिबूट कर सकता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से रिबूटिंग यहाँ पे होती है। अगर कभी आप लैग की परेशानी से जूझ रहे हैं तो यहाँ से आप रिबूट करके उस लैगिंग फैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, यानी जो मेमोरी है, कैश मेमोरी है, उसको क्लियर कर सकते हैं। हेल्प चाहिए तो यहाँ पर गेट सपोर्ट दिया हुआ है, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐप के थ्रू ही आप अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करवाएं, टिकट जनरेट करवाएं, क्विक रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, डार्क मोड, मूड साउंड, सेफ्टी लाइट, सब यहां पर आपको मिलता है। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। यहां पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूं इक्लिप्स, केयर, यहां पर केयर हम सेट कर सकते हैं, मैंने अप्लाई कर दिया, ये केयर का आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो ब्लूटूथ का है, ट्रिप का है, मनी सेव्ड, और ये है CO2 अवॉइडेड, ये पावर का है, और ये टॉर्क का है। ये कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आपको इसे रिसेट करना है तो आपको कई बार यहाँ पर टैप करना पड़ेगा, जिससे आप इस ट्रिप मीटर को रिसेट कर सकते हैं। ये माई ट्रिप वाला है जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमको रिसेट करना है। इसको आप टच करके रखेंगे तो आप यहाँ पर साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये डे मोड है, ये नाइट मोड है, ये ऑटो में आ गया, तो अभी डे मोड है, ऑटो में डाल देते हैं हम, यार अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। एक बार हम मूड साउंड को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बीटा वर्जन है वहां पर जो मूड साउंड है बहुत ही ज्यादा कम हमको सुनाई दे रही थी। मैं पहले लगाता हूँ बोल्ड, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, और मैं इसे अब स्टार्ट करता हूँ। वाओ यार भाई, मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा साउंड को इंप्रूव करा गया है, रिफाइन करा गया है, बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत अच्छी यहां पर साउंड आ रही है, नो डाउट। अब हम विंटेज को भी देख लेते हैं एक बार। मैंने बीटा वर्जन टेस्ट करा था तो वहां पर मजा नहीं आया था साउंड में, तो फीडबैक में मैंने लिखा था कि जो साउंड है उसको इंप्रूव करा जाए, तो अब इसका भी हम कोशिश करते हैं चेक करने की। देखो अभी स्टार्ट है यहाँ पर, आप साउंड को सुन सकते हैं, इम्प्रूव्ड साउंड, रिफाइंड साउंड। अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड देता हूँ, हाँ ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। तो दोस्तों ये जो पहला बग था हमारे बीटा वर्जन के अंदर, उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। ये था स्टेबल वर्जन, मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0.0 80p जनरेशन 1 के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा स्टेबल वर्जन के अंदर क्या कोई बग्स आया है या नहीं आया है। वैसे मैं आपको बता दूं,
एक ऑप्शन तो हमारा अभी भी नहीं आया है, जो है मेगाफोन वाला फंक्शन। तो देखते हैं, हो सकता है नियर फ्यूचर वो हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू अपडेट करें और उसके अंदर मेगाफोन वाला फंक्शन आप सभी लोगों को दे। आने वाले टाइम में मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट भी करूंगा। तब तक के मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।